हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और फुटबॉल भाई वापस आ गया है। अब से हम लोग लीग मैचेस देखेंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैन सिटी के बारे में। हालैंड वापस से पिछले साल वाले फॉर्म में वापस आ गया है। मेसी ने वापस से स्कोर करके इंटर मियामी को सेमीफाइनल में लेके गए हैं लीग्स कप के। और भाई बॉबी फर्मिनो ने हैट्रिक स्कोर किया है अपने डेब्यू पे सऊदी लीग में। तो चलिए स्टार्ट करते। तो पहले भाई प्रीमियर लीग वापस आ चुका है, तो पहले उसी की बात करते हैं। तो पहला मैच प्रीमियर लीग का जिसमें मैन सिटी ने 3-0 से हराया है बर्नली को उन्हीं के स्टेडियम में। और हालैंड ने 2 गोल स्कोर किए हैं और 1 गोल स्कोर किया है रॉड्री ने। और भाई हालैंड लाइक पिछले सीजन जहाँ पे उसने खत्म किया था अपना सीजन, वहीं से ये सीजन को स्टार्ट किया है। 4 मिनट में पहला गोल भाई, और फर्स्ट टच के साथ गोल। मतलब सोच सकते हैं आप कि पूरे मैच में वो 2-3 टच करेगा और जो टच करेगा वो गोल ही करेगा भाई। मतलब नेक्स्ट लेवल प्लेयर है भाई, वो एक रोबोट ही है भाई, इंसान नहीं है वो। और मैन सिटी फैंस के लिए एक खराब न्यूज है कि KDB को वापस से इंजरी हो गई है, हैमस्ट्रिंग इंजरी। पूरे समर में वो उससे जूझ रहे थे और वापस से वो आया, तो अभी पेप गार्डियोला ने बोला है कि 2-3 वीक तो आराम से वो मिस करेंगे। तो वापस से यूएफए का कोई भी फाइनल खेलने टाइम डे ब्रुइना के साथ यही होता है भाई, कोई ना कोई इंजरी हो जाती है, वापस से हो गई है। तो मैच स्टार्ट होने से पहले ही हो गई, चैंपियंस लीग के फाइनल में उनको इंजरी हो गई थी। लास्ट टाइम जब चेल्सी के साथ मैन सिटी ने फाइनल खेला था तो भी इंजरी हो गई थी। तो भाई KDB और फाइनल्स का उतना अच्छा रिलेशनशिप है नहीं। और भाई कोटवा को इंजरी हुआ, KDB को भी इंजरी हो गया। मतलब दोनों में क्या दोस्ती है, मतलब इतनी अच्छी दोस्ती भगवान किसी की भी ना करवाए किसी के साथ भाई। तो जोक सपाट, लेकिन भाई मैन सिटी ने क्या खेला है। पूरे मैच में 1-2 जगह आए थे जहां पे बर्नली ने लगा कि बर्नली स्कोर कर सकती है, लेकिन पूरा मैच भाई सिटी ने डोमिनेट किया। और रॉड्री भाई क्या प्लेयर है वो, 1 गोल किया, 1 असिस्ट किया, और क्या मैच खेला है। लाइक अगर इस मैच में कोई दो प्लेयर जो बहुत ही बढ़िया खेले उसमें से है, एक तो है भाई हालैंड और दूसरा है भाई रॉड्री। लाइक हालैंड तो भी आपके 2 गोल मार के दिए, लेकिन भाई रॉड्री जो मैच खेला है, पोजीशन पासेस जो कर रहा था, डिफेंस में जो हेल्प किया भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो तो अब प्रीमियर लीग से हटके अब आते हैं हम लोग लीग्स कप में, ठीक है। मेसी ने वापस से स्कोर किया, 5 मैचेस में 8 गोल जब से इंटर मियामी के लिए वो डेब्यू थे, और 5 के 5 मैच जीते हैं लाइक इंटर मियामी ने। और मेसी के आने से पहले लाइक 14 मैच हार रहे थे, उसके बाद लगातार 5 मैच जीतना और लीग कप के सेमीफाइनल तक जाना सिर्फ और सिर्फ मेसी की वजह से भाई। 4-0 से उन्होंने हराया है चार्लोटे FC को भाई, और फिलाडेल्फिया के साथ खेलेगी अपना सेमीफाइनल मैच। लेकिन भाई मेसी का गोल, लाइक ऑफकोर्स वो लाइक बीच में खड़े थे, उनको बॉल आया और स्कोर कर दिया भाई। वो पास दे रहे, कम से कम उस प्रेशर तो डालो, कोई नहीं, चारों जो भी डिफेंडर डी के अंदर थे इधर उधर खड़े थे भाई, मेसी ले आराम से बॉल आया और गोल स्कोर किया। और भाई इस मैच में भी एक ओन गोल होता है, लाइक इंटर मियामी के लास्ट मैच में भी ओन गोल हुआ था, वो तो इंटर मियामी के प्लेयर ने किया था, लेकिन इस मैच में अपोनेंट ने एक ओन गोल स्कोर किया भाई। और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो अमेरिकन फुटबॉल से, ठीक है। तो भाई एक चीज अच्छा है कि भाई मेसी गोल स्कोर कर रहे हैं हर मैच में, सेमीफाइनल में भी करेंगे। और भाई इसी के साथ लालीगा भी स्टार्ट हुआ कल ही, तो पहला मैच था अल्मीरिया और रायो वालकानो का, तो 2-0 से वालकानो जीती। मेरे को पता है आप लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन लालीगा स्टार्ट हुआ तो पहला मैच था तो मेरे को लगा बता देना चाहिए। और दूसरा मैच लालीगा का था सेविया वर्सेस वैलेंसिया। अगर लालीगा के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो लाइक दोनों टीम है जो कि टॉप 4 टॉप 6 में फिनिश करती आई है, एक उनका हिस्ट्री रहा है और यूरोपा लीग में बहुत ही अच्छा खेलती है दोनों टीम, तो थोड़ी इंपॉर्टेंट मैच ये बन जाता है। दोनों बिग क्लब्स हैं स्पेन की, और उसको वैलेंसिया ने 2-1 से जीता। तो लालीगा से हम लोग चलते हैं फ्रांस के लीग वन में, तो लीग वन का पहला मैच था लिल वर्सेस नाइस, और वो मैच ड्रॉ होता है 1-1 के स्कोर लाइन पे। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो सऊदी लीग में, सऊदी लीग जहाँ पे पैसे बरसते हैं भाई, उधर बारिश नहीं होती, सिर्फ पैसे की। और सऊदी लीग भी कल स्टार्ट हुई है, पहला मैच था अल हली वर्सेस अल हजेम में, हजेम हजेम जो भी, थोड़ा नाम गलत हो गया तो सॉरी, लेकिन अल हली भाई। बॉबी फर्मिनो स्टार्ट किया, सेंट मैक्सिमिन स्टार्ट किया, रियाद मारे स्टार्ट किया, और एडवर्ड मेंडी भाई, लाइक प्रीमियर लीग के जो मतलब टॉप प्लेयर हो सकते हैं अपने पोजीशन में, उनको खिला रहे थे यहाँ पे। और बॉबी फर्मिनो ने हैट्रिक स्कोर करके 3-0 से मैच जिताया अल हली को। और भाई इस सीजन सऊदी लीग कुछ मैचेस लाइक टॉप 4 क्लब्स के मैचेस देखने वाले होंगे, अल हिलाल, अल हली, अल नसर और अल इतिहाद। ये चारों टीम जब भी एक दूसरे के साथ खेलेंगी तो वो देखने वाला होगा, क्योंकि ये चारों टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स गए हैं, मैच देखने वाला होगा। ऑफकोर्स मैंने ये अल हली का मैच नहीं देखा था, हाईलाइट्स देखे थे, और भाई
बॉबी फर्मिनो ने जो गोल स्कोर किए, और कैसी भी खेल रहा था अल हली की तरफ से, बार्सिलोना प्लेयर। और भाई सेंट मैक्सिमिन क्या खेला है वो, भाई फीफा प्रीमियर लीग में लगता था कि वो फीफा खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो भाई लग रहा है बच्चों के साथ खेल रहा है। जो ड्रिबल्स कर रहा है भाई उसको पकड़ ही नहीं पा रहे प्लेयर्स सऊदी लीग के, और ऑफकोर्स नहीं पकड़ पाएंगे भाई, वो नेक्स्ट लेवल बंदा है वो, जो ड्रिबल पास करके वो लेके जाएगा भाई। और भाई बॉबी फर्मिनो का फिनिशिंग भाई, वो प्रीमियर लीग में क्या फिनिशिंग करता था, इधर तो नेक्स्ट लेवल ही कर रहा है। और एडवर्ड मंडी की गलती की वजह से एक गोल खाया, 3-1 से जीते, लेकिन उसमें से जो एक गोल आया वो एडवर्ड मंडी की गलती की वजह से, उसको बॉल मिला और वो अपोनेंट को ही पास कर दिया। भाई तो प्रीमियर लीग में खेलता था, तो सऊदी लीग गए तो सऊदी लीग का प्लेयर नहीं है कि ऐसी गलतियां करेगा। तो ऑफकोर्स पहला मैच था, मे भी थोड़ा नर्वसनेस हो सकता, लेकिन भाई मैच अगर देखना है तो सिर्फ 3 गोल देखने लायक है, वरना और कुछ था ही नहीं भाई मैच में। और रियाद मारिस का भी डेब्यू बहुत ही बढ़िया हुआ, बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे, एक असिस्ट भी किया बॉबी फर्मिनो, मतलब मैन सिटी का प्लेयर लिवरपूल के प्लेयर को असिस्ट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और आज रोनाल्डो फैंस के लिए भाई बहुत ही बड़ा मैच होगा, अल नसर के पास चांस है पहला कप जीतने के लिए रोनाल्डो के लिए, एक रोनाल्डो सऊदी जाने के बाद ये पहला चांस होगा कि वो कोई फाइनल खेल रहा है और कब जीत सकता है, और वो मैच है अल नसर वर्सेस अल हिलाल, अरब क्लब चैंपियंस कप का फाइनल है भाई। इतना बड़ा नाम क्यों रखते हैं, लाइक अरब चैंपियंस क्लब कप रख देते, जो भी रखना था रख देते, इतना बड़ा नाम अरब क्लब चैंपियंस कप, वाह। जो भी है इसका आज फाइनल है 8:30 से इंडिया के हिसाब से, तो भाई रोनाल्डो फैन जरूर देखना, ऑफकोर्स मेसी फैन हो लेकिन रोनाल्डो को सपोर्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है, मेरे को ऐसे कोई खुन्नस नहीं है उससे, क्योंकि भाई देखो हम सबको पता है जब भी रोनाल्डो और मेसी साथ में लाइक यूरोप में खेलते थे तो जो कंपटीशन दोनों में था वो और किसी के साथ था ही नहीं, लाइक हम लोग के 22-23 साल के लॉन्डो के दो ही प्लेयर हो सकते हैं जिसके हम लोग फैन हो सकते हैं, रोनाल्डो या मेसी, और लाइक नेमार, सुआरेस, लेवेंडोस्की, इब्राहिमोविच, ये सब प्लेयर थे, अच्छे थे, लाइक हम लोग में से बहुत लोग लाइक भी करते होंगे, लेकिन भाई अगर किसी भी 25-26 साल के लॉन्डो से पूछेंगे उनका लाइक आइडल कौन होगा तो सिर्फ यही दो प्लेयर हो सकते हैं अगर फुटबॉल देखता होगा तो। देखते हैं क्या जीत पाएगा रोनाल्डो अरब क्लब चैंपियंस कप। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताना जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मैं मैचेस के रिव्यू और स्कोर लाइन बताते रहूँगा, क्यों, क्योंकि मैं फ्री बैठा हूँ, तुम लोग अगर फ्री हो देखते रहो, ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय बाय।